हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत रखने से पहले सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको आपकी हेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है, या फिर आपका बेबी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, या फिर आपका बेबी बहुत ज्यादा कमजोर है एंड आपका एमनियोटिक फ्लूइड की भी मात्रा बहुत ज्यादा कम है और बेबी की तरफ ब्लड भी कम पहुंचने की शिकायत है, तो ऐसी प्रॉब्लम होने पर आपको बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, तो आप करवा चौथ का व्रत बिल्कुल रख सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ वाले दिन आप सुबह 4 बजे सरगी बिल्कुल ले सकती हैं। आपके घर में सरगी का नियम हो या फिर बिल्कुल ना हो, सरगी लेने से कोई भी समस्या नहीं होती है। आप याद रखें, आप सरगी में खाना वगैरह बिल्कुल ना लें। आप सरगी के दौरान एक बड़ा गिलास दूध जरूर लें एंड इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड जूस है, आप बिल्कुल ले सकती हैं। आप ध्यान रखिए कि आपको सर्दी के दौरान ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यास लगे। आपको व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको जो भी काम करना हो, साफ सफाई या फिर किचन साफ करना एंड मेहंदी लगवाना या बाजार से कोई भी सामान लेना श्रृंगार का या फिर पूजा पाठ का, इसके अलावा पार्लर का काम, तो आप ये जो भी सारे काम है एक दिन पहले ही कर ले, ताकि आपको व्रत वाले दिन बिल्कुल भी थकावट ना हो। और आपको क्या करना है, क्या पहनना है, ये सारा डिसाइड जो है आप एक दिन पहले ही करके रख, ताकि आप पर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा मेकअप एंड इसके अलावा आपको फेसियल और ब्लीच का भी बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा केमिकल पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि उस समय आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप अगली करवा चौथ में जैसे चाहें जितना चाहें बिल्कुल करवा सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको व्रत वाले दिन ज्यादा से ज्यादा आराम करना है एंड आपको बिल्कुल भी धूप में नहीं जाना है, बाहर नहीं घूमना है, बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रहना है एंड बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करनी है। इसके अलावा आप किचन में भी ज्यादा ना रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप गर्मी में रहेंगी उतनी ही ज्यादा आपको प्यास लग सकती है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा हैवी साड़ी एंड बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है जिसमें आप एकदम से डिस्कम्फर्टेबल हो जाएं और आपको बहुत ज्यादा बेचैनी ऐसी होने लगे, तो आप ध्यान रखें कि आप हल्की साड़ी एंड हल्की ज्वेलरी ही पहने जिसमें आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। आपको व्रत खोलने के बाद में एकदम से बहुत सारा नहीं खाना है और चाय भी तुरंत नहीं पीनी है एंड एकदम से बहुत ज्यादा नमकीन एंड बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं, इससे आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो आप ध्यान रखें कि व्रत खोलने के बाद में आप कोशिश करें हेल्दी चीज ही खाएं। और अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है एंड आपका पहला करवा चौथ है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि ये व्रत बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है, तो कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आप आराम से कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपका मन निर्जला व्रत करने का है, तब भी आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें, क्योंकि अगर आप पूरे दिन भूखी रहती हैं तो आपको चक्कर आना, जी मिचलाना एंड आपके सर में दर्द होना एंड पेट में दर्द होना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसलिए आप सही डिसीजन एंड डॉक्टर के हिसाब से और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।